अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो चीन ने एंट्री कर ली। अमेरिका इराक से लौटा है तो चीन सद्दाम हुसैन के मुल्क में भी दाखिल हो गया है। बांग्लादेश पर मुसीबत आई तो चीन तिजोरी लेकर वहां भी पहुंच गया। चीन और बांग्लादेश में 4 समझौते हुए हैं जिसके तहत बीजिंग ढाका से आपसी सहयोग बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया मान रही है कि कई देशों की तरह चीन बांग्लादेश को भी अपना कर्ज वाला गुलाम बनाएगा। वाकई ऐसा है तो आइए समझते हैं। पाकिस्तान में ग्वादर, बांग्लादेश में चित्तगोंग, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में क्युक्काप्यो, मलेशिया में मलक्का, केन्या में मुम्बासा, ये उन 34 बंदरगाहों में से हैं जिन्हें चीन डेवलप कर रहा है। इनमें से कई पोर्ट पर चीन परोक्ष रूप से कब्जा कर चुका है, लेकिन आज चीन की इसी गुलाम बनो नीलामी करो पॉलिसी को लेकर बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका में चीन की साजिशों की आंच अब बांग्लादेश तक पहुंच चुकी है। ढाका में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अगला श्रीलंका बनने वाला है? सवाल यह भी है, जहां जहां चीन जाता है वहां वहां गृह युद्ध के हालात क्यों बन जाते हैं? चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी को सबूतों और तथ्यों के साथ सटीक विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रत्ती भर भी शक है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए, जरा सी भी शंका है तो इन नारों को सुन लीजिए। और यकीन कर लीजिए कि दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक जो हाहाकार है उसके लिए माओ का मुल्क ही जिम्मेदार है। एशिया से अफ्रीका तक बर्बादी का जो विस्तार है उसके लिए बीजिंग का तानाशाही हिस्सेदार है। चीन का सूद वायरस, वायरस से बड़ा घातक। जिनपिंग का दोस्ती वाला फरे, ड्रैगन ऐसा क्या करता है? मुल्क बर्बाद हो जाता है। जहां जहां चीन वहां वहां गृह युद्ध का सीन। चिन्ना के बल की थाली खाली, इस्लामाबाद के हुक्मरान खैरात को दर बदर, आवाम एक दूसरे से सिर फुटव्वल को तैयार है। वजह क्या है? चीन। तरक्की की राह पर बढ़ता देश तबाही के गर्त में समाये। कोलंबो में जो कयामत आई, श्रीलंका की गैरत इज्जत खाक हुई। दक्षिण वाले देश की जो दुर्दशा हुई, वजह क्या है? चीन। ढाका में कोहराम है, महंगाई और मुफलिसी से महासंग्राम है। ड्रैगन की साजिशों से एक और मुल्क बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, तबाह हो गया, खाक हो गया। वजह क्या है? चीन। हुक्मरानों के खिलाफ गूंजते नारे, इन्हें महज तस्वीरें समझने की भूल ना करें। ये पूरब वाले पड़ोस की पश्चिम बनने की तस्दीक है। ये तस्वीरें बांग्लादेश के उसी पाकिस्तान बनने की कहानी बयां कर रही है जिसके टुकड़े होकर मुजीबुर रहमान का मुल्क वजूद में आया था। ढाका की गलियों में आक्रोश और बगावत की आग क्यों लगी है, ये जानिए।
बांग्लादेश में तेल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई। सरकार ने तेल की कीमतें 51% से ज्यादा बढ़ा दी। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तेल की कीमतें क्या बढ़ी, पूरब वाले पड़ोस में आक्रोश की आग लग गई। राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी। सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में पहले डीजल की कीमत 80 टका प्रति लीटर थी, जो 42% से ज्यादा बढ़ोतरी के बाद 114 टका हो चुकी है। वही पेट्रोल की कीमतें 51% से ज्यादा बढ़ोतरी के बाद 86 से 130 टका प्रति लीटर पहुंच चुकी है। पहले से ही मुफलिसी और महंगाई की आग में जलती आवाम के जख्मों पर शेख हसीना की हुकूमत ने तेल की कीमतें बढ़ाकर नमक छिड़क दिया है। यही वजह है कि ढाका में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे हालात बनने लगे हैं। बांग्लादेश है जिसे सबसे तेजी से तरक्की करते मुल्क का तमगा हासिल था। कहा जाता था कि बांग्लादेश भारत तक को पीछे छोड़ देगा। पूरब के इसी पड़ोसी के हाल अब पश्चिम और दक्षिण वाले देश की तरह हो चुके हैं। इसीलिए सवाल लाजमी है कि बांग्लादेश की बदहाली की सबसे बड़ी वजह क्या है। तेजी से तरक्की करता बांग्लादेश अचानक कंगाल क्यों हुआ? जवाब ये तस्वीरें हैं। जिस वक्त ढाका आक्रोश की आग में सुलग रहा है, ठीक उसी वक्त जिनपिंग ने अपने शागिर्द को बांग्लादेश रवाना कर दिया। चीन के विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर पहुंचे और लगे हाथ करार का पासा फेंक दिया। चीन और बांग्लादेश ने 4 अहम समझौते पर साइन किए हैं। उनमें द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर आपदा प्रबंधन, सांस्कृतिक समुद्री विज्ञान को लेकर समझौता किया गया है। साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से भी मिले। हाल ही में बांग्लादेश ने IMF से 4.5 अरब डॉलर यानी 35 खरब 95 अरब रुपए से भी ज्यादा का लोन मांगा है। बांग्लादेश को ये उधारी नहीं मिलती तो मुल्क के कंगाल होने का खतरा है। बीजिंग तक जैसे ही खबर पहुंची, तानाशाह की तिजोरी लेकर जिनपिंग के शागिर्द ढाका पहुंच गए। वैसे बांग्लादेश के चीन के जाल में फंसने की शुरुआत 6 साल पहले ही हो चुकी थी, 14 अक्टूबर 2016। जवाब ये तस्वीरें, जब जिनपिंग माओ के मुल्क की लूट वाली तिजोरी लेकर ढाका पहुंचे थे। तारीख थी 14 अक्टूबर 2016। ढाका में जिनपिंग की खूब खातिरदारी हुई, इसलिए मौका देख बीजिंग के तानाशाह ने विस्तारवाद का जाल फेंकने में देर नहीं की। ढाका में जिनपिंग क्या बोले थे, पहले उसे सुनिए। चीन और बांग्लादेश के संबंध एक नया ऐतिहासिक शुरुआत कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के उज्जवल भविष्य का रास्ता तय करेंगे। चीन बांग्लादेश के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीन और बांग्लादेश के आपसी रिश्तों से दोनों देशों के नागरिकों को भविष्य में शांति, स्थिरता और विकास की राह पर चलने का मौका मिलेगा। चीनी तानाशाह ने चिकनी चुपड़ी बातें की, बांग्लादेशियों ने खूब तालियां भी पीटी, लेकिन ये भूल गए कि जिस मुल्क में भी ड्रैगन की नस्लों के कदम पड़े वो बर्बादी के रास्ते पर चला, और यही हुआ भी। 5 साल में ही चीन ने बांग्लादेश की जड़ों को कैसे खोद डाला, ऐसे समझिए। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में चीन का सबसे ज्यादा निवेश है। सेंट्रल बैंक ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक 2018 से 2020 तक चीन बांग्लादेश में $1.7 बिलियन का निवेश कर चुका था। चीन बांग्लादेश को PRI के तहत $10 बिलियन की मदद दे चुका है। बांग्लादेश में चीन हाईवे से लेकर रेल नेटवर्क तक बना रहा है।
बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज वाला गुलाम बनाने के लिए बीजिंग के तानाशाह ने अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया, जिसकी चमक देखकर ढाका की हुकूमत भी बेपरवाह होती गई। यहीं से आमार बांग्ला चीन के शिकार बांग्ला बनता गया। बांग्लादेश में महंगाई दर पिछले 9 महीने से लगातार 6% से ऊपर बनी हुई है। जुलाई में बांग्लादेश में महंगाई दर 7.48% तक पहुंच गई। सरकार की दलील है कि बांग्लादेश की बदहाली के पीछे इंटरनेशनल हालात बड़ी वजह है, जबकि सच्चाई ये है कि 6 साल से ही चीन बांग्लादेश की इकोनॉमी को दीमक की तरह कैसे चट कर रहा है, ऐसे समझिए। कारोबार के नाम पर चाइनीज कंपनियां बांग्लादेश में फेक डॉक्यूमेंट रैकेट चला रही है। इनमें पोर्ट्स के क्लियरेंस पेपर्स, टैक्स बचाने वाले डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और वोटिंग कार्ड से लेकर बर्थ सर्टिफिकेट्स और नेशनल आईडी तक तैयार की जा रही है। कई चीनी कंपनियां जाली दस्तावेजों की साजिश में शामिल हैं, कई नकली प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और इन्हें बांग्लादेश के बंदरगाहों के जरिए दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। इन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए भी फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये है कि इसके पीछे चीन का मकसद क्या है। बांग्लादेश हो, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर अफ्रीका का कोई देश, चीन का एक ही मकसद है, कर्ज दो और गुलाम बना। अंग्रेजों की तरह चीन ने दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कैसे गृह युद्ध के हालात बना दिए हैं, आप देखिए। माओ के वारिसों के कदम जिस मुल्क में पड़े वो देश बर्बाद होता गया। ज्यादा दिन नहीं बीते जब हमारे साउथ वाले पड़ोस से दुनिया को झकझोरने वाली तस्वीरें आई थी। पाकिस्तान की तरह ही श्रीलंका भी बीजिंग की तिजोरी से युवान मांगता रहा और जब हद पार हो गई तो कोलंबो में कयामत आ गई। श्रीलंका में हालात सुधरे भी नहीं थे कि बांग्लादेश में बवाल हो गया। रही बात पाकिस्तान की, तो जिन्ना का मुल्क 1.5 दशक से चाइनीज साहूकारों का गुलाम बन चुका है। पाकिस्तान को चीन ने कर्ज दिया, पाकिस्तान बर्बाद हुआ। श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर दिया, श्रीलंका बर्बाद हो गया। बांग्लादेश को भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीन की उधारी मार गई। बीजिंग की पॉलिसी क्लियर है, पहले खूब कर्जा देकर खुद पर निर्भर बनाओ और जब कोई देश कर्जा चुकाने में नाकाम रहे तो चीनियों को उस देश में बसाओ। चीन की यही नीति 50 से ज्यादा मुल्कों को बर्बादी के मुहाने पर ले जा चुकी है। पिछले कुछ साल के दौरान चीन ने 58 पाकिस्तान कैसे बना लिए, ऐसे समझा जा सकता है। नई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक चीन जो कर्ज देता है उसे वो वैश्विक कल्याण के वास्ते दिया गया कर्ज बताता है और कहता है कि उसका लोन बांटने का मकसद विश्व में सार्वजनिक तौर पर अच्छा काम करना है और वो वैश्विक समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसा कर रहा है। हकीकत क्या है बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि चीन की दुनिया पर कितनी उधारी है। चीन अब तक $5.6 ट्रिलियन का लोन अलग अलग देशों को विकास के नाम पर बांट चुका है। ये रकम भारतीय अर्थव्यवस्था की दुगनी है। इसके साथ ही दुनिया में जितना भी कर्जा बांटा गया है उसमें 65% हिस्सा अकेले सिर्फ चीन का है। यानी जितना कर्ज IMF और विश्व बैंक नहीं बांटते उससे ज्यादा कर्जा चीन बांट चुका है। आंकड़ों से समझिए, मौजूदा वक्त में दुनिया के 150 देश चीन के कर्जदार हैं। साल 2000 में चीन का विदेशों पर कर्ज $500 बिलियन था, जो 2020 तक आते आते $5 ट्रिलियन तक हो चुका है। रुपयों में यह रकम 380 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अब जरा सोचिए, जो देश चीन के कर्ज तले डूबे हैं, उन्हें एक ना एक दिन ड्रैगन के जबड़े में समाना ही है, ऐसा हो भी रहा है। ज्यादा दूर ना जाकर पड़ोस में झांक लेते हैं। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन के कब्जे में है, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन का कब्जा है, मालदीव के कई द्वीपों पर चीन शिकंजा कस चुका है, बांग्लादेश में चीन सबमरीन बेस बना रहा है, भूटान और नेपाल के कई इलाकों में चीन गांव बसा रहा है। ये तो रही पड़ोस की बात, अब जरा अफ्रीका चलिए। ये तस्वीरें युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट की, जो अब युगांडा का नहीं रहा। राजधानी कंपाला के करीब का ये एयरपोर्ट अब चीन का हो चुका है।
चीन ने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। इसकी वजह क्या है जानिए। युगांडा ने एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चीन से कर्जा लिया था। चीन के एक्सिम बैंक से 20 करोड़ 70 लाख डॉलर उधार लिए थे। कर्ज लौटाने की मियाद 20 साल की थी, जिसमें 7 साल का ग्रेस पीरियड भी शामिल था। चीन ने चालबाजी दिखाते हुए उधारी की शर्त में एक क्लॉज जोड़ा था, जिसके मुताबिक कर्ज न चुकाने पर एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा होगा। अब यही हो चुका है। युगांडा की सरकार ने बीजिंग के तानाशाह के सामने खूब मिन्नतें की, लेकिन चीन ने कोई रियायत नहीं दी। अफ्रीका के किसी मुल्क ने भी चीन के खिलाफ जुबा तक नहीं खोली। जानते हैं क्यों? दुनिया की प्रतिष्ठित कंसल्टिंग कंपनी मैकेंजी के मुताबिक अफ्रीका के सभी 54 देशों में चीन का निवेश है। अफ्रीका में 10,000 से ज्यादा चीन की कंपनियां हैं। चीन और अफ्रीका के बीच 170 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार है। 15% अफ्रीका चीन के कर्ज वाले जाल में फंसा हुआ है। केन्या से लेकर घाना तक और नाइजीरिया से लेकर इथियोपिया के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक चीन की फैक्ट्री नजर आ जाएगी। खास बात यह है कि चीन जो कर्ज बांटता है उसके पीछे काफी सख्त शर्तें हैं, और उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त गोपनीयता की होती है। यानी कर्ज लेने वाला देश इसका खुलासा नहीं कर सकता कि उसने चीन से किन शर्तों पर कर्ज लिया है, वहीं चीन ने उन्हें कितना कर्ज दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी बताने की मनाही होती है। एक और खास बात यह है कि चीन का 60% कमर्शियल लोन होता है। शर्त ये होती है कि जिस देश में जो भी काम होगा उसमें बड़े स्तर पर चीन के लोग ही काम करेंगे। पाकिस्तान से लेकर अफ्रीका के देश चीन के इसी डेट ट्रैप में फंसकर गुलाम बन चुके हैं। कर्ज देकर गुलाम बनाना, यह चीन की पुरानी पॉलिसी है और इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है, और यह शब्द चीन के लिए ही बना है। लेकिन चीन का यह कहना है कि वो कर्ज देकर गरीब देशों में विकास करता है, लेकिन सच्चाई क्या है आप देखिए। जिबूती, ज्यादातर लोगों ने इस देश का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अफ्रीका के कोने का यह छोटा सा देश चीन के विस्तारवादी साजिशों का नया सेंटर है। बीजिंग से हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर के किनारे पर मौजूद जिबूती पर चीन काफी हद तक कब्जा करने के बाद अपना मिलिट्री बेस बना चुका है। जिबूती अफ्रीका के बाकी देशों की तरह एक बेहद गरीब मुल्क है। WHO के मुताबिक जिबूती के करीब 80% लोग गरीब हैं। 10 लाख की आबादी वाले देश के 42% लोग बेहद मुफलिसी की हालत में हैं। चीन के लिए ये तीन वजहें कब्जा जमाने के लिए काफी हैं। इसीलिए चीन ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोला और गरीब जिबूती की आवाम को लालच के जाल में फंसा लिया। जिबूती ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों में माओ के वारिस परमानेंट ठिकाना बना चुके हैं, जिसके खिलाफ अफ्रीकी लोगों का गुस्सा भी सामने आता रहता है। ये तस्वीरें अफ्रीकी देश जैम्बिया की, जहां 2 साल पहले राजधानी लुसाका में चीन के 3 कारोबारियों की हत्या कर दी गई। जैम्बिया भी जिबूती की तरह ही गरीब मुल्क है। यही वजह है कि चीन ने इस छोटे से देश को भी अपनी साजिशों का अड्डा बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जाम्बिया में करीब 22,000 चीनी नागरिक रहते हैं। चीन की 250 से ज्यादा कंपनियां जाम्बिया में हैं। जाम्बिया के कुल कर्ज का 44% चीन के पास है। एक दशक के दौरान बीजिंग ने अफ्रीका के करीब सभी देशों में पैर पसार लिए। इन देशों में चाइनीज नागरिकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों के बजाय चीनियों का कारोबार हल फूल रहा है। इस मैप को देखिए और अफ्रीका में चीन के शिकंजे का अंदाजा लगा लीजिए। चंद देशों को छोड़ पूरा अफ्रीका चीन के कब्जे में है। अफ्रीका के हर देश में सड़क से लेकर साबुन तक चीन बनाता है, और इसके बदले में अफ्रीका की जमीन से हर खजाना लूटकर खोखला कर रहा है। अफ्रीका की गरीब आवाम से जिनपिंग के शागिर्द गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं। यही वजह है कि कई देशों में माओ के वारिसों के खिलाफ हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी। अफ्रीका ही नहीं बल्कि वक्त के साथ कई और दूसरे देश हैं जो कि अब चीन की इस डेट ट्रैप पॉलिसी को समझने लग गए हैं, और यही वजह है कि इन देशों में चीनियों पर हमले भी बढ़ने लग गए हैं। पाकिस्तान में तो बलूचों ने चीनियों का जीना तक मुहाल कर दिया। ये तस्वीरें बलूचिस्तान की,
जहां चाइनीज चोरों के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन होते रहे। 6 महीने पहले बलूचों के आक्रोश से ग्वादर लहर उठा था। हालात ये हो गए कि बौखलाए बाजवा ने अपने 5,000 से ज्यादा वर्दी वाले दहशतगर्दों को ग्वादर में तैनात कर दिया। बावजूद इसके चीन के खिलाफ आंदोलन नहीं थमा। जिनपिंग का ख्वाब अंग्रेजों की तरह दुनिया पर राज करने का है, इसीलिए दुनिया के एक छोर से दूसरे कोने तक माओ के मुल्क की साजिशों की वजह से आक्रोश की आग सुलगने लगी है। सवाल यह भी है कि जिस चीनी तानाशाह से पड़ोस का ताइवान नहीं संभल पा रहा है, वो दुनिया पर हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश क्यों पाले हुए हैं?